दे सकता है, याद आ रहा है? और हमने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस की थी कि ऑडिटर कौन से टाइप की अश्योरेंस नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। एब्सोल्यूट का मतलब ये कि ऑडिटर आपसे ये नहीं कह सकता कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गलत हो, जो बाद में गलत साबित हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। ऑडिटर कौन सी अश्योरेंस देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। बेटा मैंने क्विज अपलोड किया था, ठीक है, वो शेयर नहीं कर सका, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। अपलोडेड अपलोडेड पड़ा, वैसे लिंक शेयर करना है मैंने आपके साथ। अच्छा जी सर, एग्जामिनर पूछता है कि ऑडिटर जो है वो क्यों क्यों एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, ठीक है जी। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड में लिखे हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से इन्फर होते हैं। पहले हम डिस्कस करें वो पॉइंट जो आयदा 200 में लिखे हुए। सबसे पहला पॉइंट ये जनाब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स में जैसे बैड डेट्स है, जैसे डेप्रिसिएशन है, और सर प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग है, सर इस तरह की चीजों में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, सर इस तरह की चीजों में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। और याद रखिएगा, जब एक फिगर ही एस्टिमेटेड है तो उसके ऊपर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सर हम ऑडिट करते हैं सैंपल बेसिस के ऊपर। सर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं और साल के 12 महीने काम करते हैं, सर उनकी ट्रांजेक्शन उठाए एक बंदा और 100% ऑडिट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑडिट किस बेस पे करते हैं? सैंपल बेसिस पे, यानी हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, और जो हमारे सैंपल का रिजल्ट होता है हम ये अज्यूम कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन में भी काम ऐसे ही चल रहा होगा। ऐसा मिसाल के तौर पर एक दिन एक बंदा आए और ARTT में बैठ के जो फी कलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा देखी, ठीक है जी, और देखिएगा जब फी रिसीव होती है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, दूसरा बंदा उसको अप्रूव करता है, तीसरा बंदा सर उसको कलेक्ट करके पैसे बैंक में डिपॉजिट कराता है, चौथा बंदा सर बैंक से स्टेटमेंट लेके अगले दिन उसको वेरीफाई करता है कि बैंक में जमा हो गए या नहीं, पांचवा बंदा सर हमें रिपोर्ट करता है। ऐसा तो एक दिन की ट्रांजेक्शन उठा के अगर एक ऑर्डर आके देखे कि सर जितनी कैश रिसीट ARTT ने दिखाई है क्या वाकई इतनी कैश रिसीट प्रैक्टिकली हुई भी है, सर अगर इस तरह की 8-10 ट्रांजेक्शन देख ले और वो सारी सही निकले तो क्या ऑडिटर ये इन्फर कर सकता है कि बाकी काम भी बिल्कुल सही हुआ होगा? तो हम ऑडिट किस बेस पे करते हैं? सर जब आपने 100% ट्रांजेक्शन ही वेरीफाई नहीं की तो आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? ऐसा तो बताएं, एक पॉइंट हो गया एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, दूसरा पॉइंट क्या है सर? सर हमारे पास सैंपल बेसिस पे ऑडिट होता है। ऐसा सर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब, टाइम एंड कॉस्ट। देखें आपको 4 महीनों के अंदर अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स SECB के पास जमा कराने, ठीक है जी, और सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये पहले अप्रूव करने किसने? बोर्ड ने। फिर अप्रूव करने किसने? शेयर होल्डर्स ने। ऐसा उसके बाद जाके जमा होंगे किसके पास? SECB के पास। तो सर इन दोनों के अप्रूवल में लगभग 1.25 महीने का टाइम निकल जाता है, क्योंकि 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर्स को देने, और सर शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले वो प्रिंट भी हो जाने चाहिए, डायरेक्टर उसको अप्रूव भी कर लें, तो इफेक्टिवली ऑडिट करने के लिए सिर्फ 2.5 महीने का टाइम होता है। अब यार एक कंपनी के पूरे साल की ट्रांजेक्शन 2.5 महीने में बैठ के वेरीफाई नहीं हो सकती, तो हम सर हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो हम किस बेसिस पे काम करेंगे? सैंपल बेसिस पे काम करेंगे, तो हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। फिर सर हबीब बैंक के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर मैं देखूँ तो मोर देन 10,000 है। हबीब बैंक का ऑडिट करने जाते हैं 60 लोग, तो क्या 60 लोग ऑडिट करने जा रहे हैं तो भाई KPMG को तो कम से कम 2,000 लोग तो भेजने चाहिए? नहीं सर, KPMG 2,000 लोग कैसे भेजेगा? KPMG की ऑडिट फी देखिए कभी आप, एक क्लाइंट ऑडिट फी देता है, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक आम कंपनी जो तुम्हें नजर आ रहा है सामने से, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है HRSG, बड़ी मशहूर कंपनी है, इसकी ऑडिट फी क्या होगी? 15 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए इसका, और उसमें सर काम करोड़ों रुपए का हो रहा है, ऑलमोस्ट 1-2 बिलियन रुपए का प्रॉफिट है इनका। तो मुझे बताओ सर इसको वेरीफाई करने के लिए जो ऑर्डर आ रहा है उसका पे क्या कर रहे हो? 15 लाख रुपए। मुझे बताओ सर 15 लाख रुपए 2.5 महीने उससे लोग बिठाने हैं, 2.5 महीने काम करवाना है, सर अगर वो 10 लोग भी ले आए ना तो भी उसकी कॉस्ट आउट हो जाए, तो सर ऑडिटर के पास फी इतनी नहीं है, उसको रिसोर्सेज इतने नहीं मिल रहे हैं कि वो बैठ के 100% ट्रांजेक्शन को क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। तो सर वो काम किस बेस पे करता है? सैंपल बेसिस पे काम पूरा नहीं कर सकता, रीजनेबल काम करता है और उसके बेसिस पे रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी जा सकती है? नहीं सर, नहीं दी जा सकती। अच्छा एक सवाल आया पेपर में, तो नहीं आ गया, हमने पास पेपर डिस्कस करने थोड़ी देर में,
सवाल है पास पेपर में कि एक ऑडिटर को स्टॉक काउंट करने जाना था पिशावर, उसने देखा जी ऑडिट फी कम है, उसने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप स्टॉक काउंट करने का छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसने कहा भाई चूंकि पैसे इतने कम दे रहे हैं तो हम उसको पिशावर नहीं जा सकते, क्या ये चीज जस्टिफाइड है, क्या ये चीज जस्टिफाइड है कि ऑर्डर को चूंकि पैसे कम मिल रहे तो वो प्रोसीजर कम करेगा? नहीं सर, याद रखना वो प्रोसीजर कम नहीं करेगा, वो अपने रिस्क को जरूर हेज करेगा, वो रीजनेबल काम जरूर करेगा, ऐसा प्रोसीजर जिसको मिस करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकती है सर, उसको कभी भी वो मिस नहीं करेगा, इस वजह से कि उसकी कॉस्ट ज्यादा जा, नहीं बात करें क्लाइंट से भी पैसे ज्यादा ले ले, नहीं तो क्या करे, ऑडिट ही नहीं एक्सेप्ट करे, ठीक है जी। तो ये याद रखना, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो और बाद में फिर आप रोना डालो कि भाई मेरे पास चूंकि फी कम आई है तो मैं बहुत सारे प्रोसीजर्स नहीं करूंगा, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। जो जरूरी प्रोसीजर्स हैं जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने पकड़नी है सर, वो आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, गैर जरूरी छोटे मोटे प्रोसीजर्स वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन याद रखें सर आपने जिम्मेदारी भी किसके लिए, रीजनेबल अश्योरेंस की, आपने जिम्मेदारी भी किसके लिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी आपने नहीं ली। फिर जी, फिर हमने डिस्कस किया सर बाद अवकात देखिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन बाज अवकात अनइंटेंशनली एंड बाज अवकात इंटेंशनली मैनेजमेंट क्या करती है सर, ऑडिटर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती या नहीं दे पाती। तो जब सर ऑडिटर को पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है, ठीक है जी, तो क्या वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है? नहीं सर, नहीं सर। देखो इसके ऊपर पेपर में सवाल आया, गौर सुनना सर। मैनेजमेंट बाज अवकात करती क्या है, एक प्रोविजन है, मैनेजमेंट को पता है कि बनना चाहिए, मैनेजमेंट को पता है कि बनना चाहिए, मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, ऑडिटर को नहीं बताया, ठीक है, मिस हो गई चीज, मिस हो गई चीज, क्या ऑडिटर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, है? रिस्पॉन्सिबल है। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, और जो सुनना टेक्निकल एग्जाम्पल, एक कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक अप्रूवल दिया कि जी ARTD का लाहौर वाला कैंपस बंद कर, मिसाल दे रहा हूं, क्या करें, ARTD का लाहौर वाला कैंपस बंद कर, ये किसने फैसला किया, ARTD के बोर्ड ने, ARTD ने अपने बोर्ड के बाद फैसला लेने के बाद CFO को कहा कि एक प्लान बनाओ, क्या बनाओ, प्लान बनाओ, लोगों को कैसे फारिग करना है, लोगों को कितने कितने पैसे देने, जो ARTD में एसेट्स पड़े हुए उसको बेचना कैसे, बंद कैसे करना है, सारी कानूनी कार्रवाई के लिए पूरा प्रोसीजर बनाओ, पूरा प्लान बनाओ, CFO ने प्लान बना दिया, क्या हुआ, बोर्ड ने अप्रूवल दिया, दूसरा काम CFO ने प्लान बना लिया, तीसरा काम CFO को यह किया गया, ये कहा गया कि आप जाके उन तमाम एम्प्लॉयज को जो ARTD के लाहौर विंग में काम करते बता देंगे जी आपको फारिग किया जा रहा है, जैसे ही आप ये कम्युनिकेट करोगे वैसे ही CFO ने आके एक प्रोविजन बनाना होगा, किसका, वो पैसे जो आपने एम्प्लॉयज को निकालने के लिए देने हैं रिडंडेंसी कॉस्ट, उसका प्रोविजन आपने बनाना होगा, ऐसा, ये कब बनता है प्रोविजन, ना ना ना, जब बोर्ड अप्रूवल आ गया, जब CFO ने प्लान बना लिया और उसके बाद अग्रीड पार्टीज को कम्युनिकेट भी कर दिया गया, अनाउंस हो गया, जब अनाउंस हो गया ना उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोविजन बुक करना, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी ने जलालत ये की कि प्लान बना लिया, पहले अप्रूवल आ गया, प्लान बना लिया, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोविजन नहीं बनना। अब सुनो, स्टैंडर्ड कहता है जनाब एक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, खामोशी से प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, एसेट्स बेचना शुरू कर दिए, लॉयर को अपॉइंट कर लिया कि भाई हमने खत्म करना है ये सेटअप, लेकिन वर्बली कम्युनिकेट, क्या कंडीशंस पूरी हो गई, हाँ, स्टैंडर्ड कहता है या तो कम्युनिकेट करो या इम्प्लीमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर, तो आपको क्या बनाना है। अब बताएं सर, मैनेजमेंट नो, मैनेजमेंट को बात पता है, मैनेजमेंट ने सर 10 नवंबर को बोर्ड से अप्रूवल लिया, 15 नवंबर को प्लान बना लिया और सर 25 दिसंबर से इंप्लीमेंट करना भी क्या ईयर एंड पे प्रोविजन बनना चाहिए सर, मैनेजमेंट खामोश, बता ही नहीं रही ऑडिटर कि हम ये काम कर रहे हैं पीछे पीछे। अब बताओ सर, अगर ऑडिटर ये चीज मिस कर दे तो क्या ऑडिटर पे कोई बार है? नहीं सर, कहेंगे जी मैनेजमेंट ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और बाज अवकात ऐसे केसेस के अंदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ना दे तो ऑडिटर कुछ भी, क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है? नहीं दे सकता सर, ऐसा है, ऐसा है सर। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहा हूँ सर, प्लीज बोर्ड भी दीजिएगा, दो एग्जाम्पल आपको छोटी छोटी दूंगा, अच्छे तरीके से देखना सर। सर एक कंपनी है, उसका नाम है ABC लिमिटेड,
ठीक है जी, नाम नहीं लेंगे हम क्लास में किसी भी कंपनी का, एथिकली ठीक नहीं है। अच्छा जी, और नहीं है, गलत बात है, ये किसी का भी नाम नहीं लो, मैंने नाम लिया है नहीं लिया ना, यहाँ ठीक। सुनो, एबीसी कंपनी की ना बहुत सारी सब्सिडरीज है, क्या सब्सिडरी एक्स, सब्सिडरी वाई, सब्सिडरी जेड, सब्सिडरी डबल ए, ये इसकी सब्सिडरीज है, ठीक है जी। इसी कंपनी का एक एनजीओ भी है, क्या एनजीओ, इस एनजीओ के दो ऑब्जेक्टिव, नंबर वन हॉस्पिटल में डोनेशन देना और नंबर टू ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन, ठीक है जी, इसकी ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन, ये वाकई ये कंपनी है, प्रैक्टिकल केस तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैंने नाम नहीं लिया, क्या बात कर रहा है। अब सुने जरा दोस्त, सुनो सुनो सुनो, एबीसी कंपनी ने क्या किया, अपनी सारी सब्सिडरीज को कहा कि अपना 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको दे दो, इस एनजीओ को दे दो। और तो सुनना सर, जितनी भी कंपनी ये डोनेशन देंगी ना, उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्या मिलेगा, जो पैसा आप दे रहे हो ना, इनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा तो इन्होंने बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देने के, किसको टैक्स दे दिया, इस एनजीओ को, डोनेशन के नाम पर। डन, इस एनजीओ के पास आ गया सारा पैसा। ऐसा इस एनजीओ ने क्या किया, दो स्कूल बना दिए छोटे छोटे, क्या ये ट्रांसजेंडर्स पढ़ते हैं, और एक आध अस्पताल में पैसा दे दिया। टोटल डोनेशन जो रिसीव हुआ ना, उसका 5% क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस एनजीओ की डोनेशन इनकम एग्जेम्प्ट है, क्या जनाब, इसने पे किया उसको टैक्स क्रेडिट मिल गया, एनजीओ ने ये पैसा रिसीव किया, इस पे कोई टैक्स, ये पैसा एनजीओ ने उठाया और एबीसी को लोन के तौर पे दे दिया इंटरेस्ट फ्री। ऐसा सही काम हो रहा है, ये सही काम हो रहा है। नहीं देखो, इन्होंने क्या किया, जलालत अपने सारी कंपनी से पैसा निकाला, क्योंकि टैक्स की मत में गवर्नमेंट को जाना था, वो एनजीओ में डलवा दिया उसका अच्छा खासा पोर्शन, एनजीओ ने दो छोटे मोटे चक्कों के स्कूल खोल दिए, बाकी जो पैसे बचे वो क्या किए, वो उठा गए एबीसी को दे दिए। अब एबीसी उस लोन दिया, वो भी कौन सा, इंटरेस्ट फ्री। अब मुझे एक चीज़ बताओ सर, इसका ऑडिटर कोई और है, 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 और इसका ऑडिटर कोई और है। ऐसा अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, चीज पकड़ाई में आएगी, नहीं आएगी। क्यों, फ्रॉड हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के होता है, ऐसे तरीकों से फ्रॉड किया जाता है कि इसको पकड़ना ऑडिटर के लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसा तो ऑडिटर सर जो ऑडिट करने आता है ना, वो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोसीजर्स नहीं है। ऑडिटर एक ऐसी कंपनी का ऑडिट करता है जो ईमानदार है, वो एक ऐसी कंपनी के लिए ट्रेन नहीं होता जिसमें फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, नहीं, हाँ लेकिन फ्रॉड जब पकड़ा जाए तो रिस्पॉन्ड करना ऑडिटर की जिम्मेदारी, उस पर आंखें बंद नहीं कर सकता, लेकिन फ्रॉड पकड़ने के लिए प्रोसीजर्स नहीं करता। सुनो 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 बच्चे, एक चीज और, अगर एबीसी को पकड़े तो ना, पकड़ा ही नहीं जाएगा, ये केस सिर्फ एक जगह से पकड़ा जा सकता, कहां से, बिल्कुल 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 लोन आ रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन आ रहा है, ये सुनो, नहीं मैं इसका और तरीका बताता हूँ ना। एबीसी की एक और सब्सिडरी है जो है बैंक, ये कंपनी दे देगी बैंक को लोन, बैंक के पास दे देगी पैसा, डिपॉजिट करा देगी, और बैंक इसको इंटरेस्ट रेट देगा 0.2%। ऐसा बुक्स में क्या आ रहा है, बैंक डिपॉजिट, ये बैंक से लोन ले लेगा एबीसी। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से लोन लेना नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है जी, ये नहीं पकड़े जाते आमतौर पर, ठीक है जी। ये इस तरह पकड़ा गया था ये केस पाकिस्तान में, कि एक बंदा गया इस एनजीओ का ऑडिट करने, और बहुत तंग था अपनी जिंदगी से, उसने कहा यार कुछ करने को नहीं है, मैं बैठ के पढ़ना चाहता, उसको एनजीओ पे भेज दिया, वो बैठ के पढ़ना शुरू हो गया, वहां पे सुकून से बैठ के टेबल पे जो है वो पूरा दिन पढ़ रहा था, एबीसी का किस्सा ही, तो सुकून से बैठ के टेबल पे पढ़ रहा होता था। तो हुआ क्या कि इस एनजीओ के सीएफओ ने उंगली की उस लड़के कि भाई तू ऑडिट करने आता है, तू पढ़ने आता है, तो तुम्हारे बाप का वो थोड़ी है भाई, ऑडिट कर इधर, तुम्हारे पढ़ने की जगह थोड़ी है। उसने कहा ठीक है, अब मैं करता हूँ ऑडिट, ठीक है जी। उसने उठाया भाई के जो डोनेशन मिल रही है, उन डोनेशन की मोस्टली डोनेशन कहाँ से आ रही है, रिलेटेड पार्टीज से आ रही है। तो इसने ये तो आइडेंटिफाई करके पार्टनर को बता दिया कि भाई इसके बहुत सारी डोनेशन कहाँ से आ रही है,
रिलेटेड पार्टी से आ रही है। फिर इसने कहा आपने डोनेशन का ये 5% हिस्सा किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी सारा ये क्या करता है बैंक डिपॉजिट्स में रख के उसके सूद खाता है, ठीक है, जो सूद का रेट ना होने के बराबर है। तो भाई इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखो कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इसका सूद खाना है ये इसका बिजनेस मॉडल है, या इसने पैसा इन्वेस्ट करना है जगह जगह पर। पता चला जी कि इसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बात लिखी हुई है कि ये अपनी टोटल डोनेशन का एनी टाइम 50% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस पर क्या हो गया, बड़ा देगा पार्टनर के पास, कर दिया ऑडिट, कर दिया ऑडिट, तो फिर क्या हुआ, अब ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बेड़ा गर्क हो सकता था। तो इस एनजीओ का ऑडिट उस फर्म ने ड्रॉप कर दिया, हम इसका ऑडिट नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लिया, दस्त बरदार हो गया कि भाई किसी और कंपनी से ऑडिट कराओ, हम करेंगे तो हम उस पर देंगे एक खतरनाक किस्म का एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, विड्रॉ कर लिया कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बहुत ऐसे मसले निकलते हैं। अब आए जरा छोटी सी एक एग्जांपल और देखें, अच्छे तरीके से देखना प्लीज मेरे बच्चों। जब भी फ्रॉड होता है किससे होता है, ऑडिटर इज नॉट ट्रेन्ड टू डिटेक्ट फ्रॉड, ये याद रखना। ऑडिटर कभी भी प्रोसीजर रिस्क नहीं होते हैं कि वो क्या कर सकते, फ्रॉड डिटेक्ट कर सके। एग्जाम में सवाल आता है ऑडिटर फ्रॉड के रिस्पॉन्सिबल है, नो, क्या ऑडिट प्रोसीजर से फ्रॉड पकड़ा जा सकता है, नहीं, लेकिन अगर सामने आ गया तो हमने रिस्पॉन्ड करना है, रिपोर्ट करना है, ऐसा। अब और तो सुनो सर, प्यारे बच्चों बोल दो सर, एक इन्वेस्टर है, अच्छे तरीके से समझना मेरे बच्चों, ये एग्जांपल्स सीधी सीधी जो है वो पेपर में उठ के आ रही होती है, बाद वक्त आपको चीजें याद आ जाती है कि यार इसी तरह की एग्जांपल क्लास में सर ने डिस्कस की थी। इस इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आमतौर लोग बैंकों में रखते हैं सर। बाद वक्त लोग जाते हैं किसके पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, किसके पास, ये आपके पैसे मैनेज करते हैं। आप गए इसके पास, आपने कहा भाई मुझे पैसा कमाना है हलाल, इसने आपको कहा मेरा एक इस्लामिक फंड है उसमें आप पैसे डाल, पैसे इन्वेस्टर ने किसको दिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पैसा कहाँ डाल दिया, इस्लामिक फंड में। एक और आया, उसने कहा मुझे तो सूद ही खाना है भाई, मुझे तो बस कयामत के दिन जलील होना है, ठीक है जी। तो क्या किया इस एमसी ने, पैसे किसमें डाल दिए, इनकम फंड में डाल दिया, ऐसा। तो इस एमसी के पास हर किस्म का म्यूचुअल फंड है। एक बुड्ढा आया, उसने कहा मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, मेरे पैसे कैश फंड में डाल दो, किसमें डाल दो, इस फंड में पैसे डालते हैं ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं या ट्रिपल ए रेटेड बैंक्स में, किसमें, इसका रिटर्न बहुत कम होता, ऐसा। अब सर एक बुड्ढा आया, उसने कहा मेरे पैसे किसमें डाल दो, कैश फंड में डाल दो, किसमें डाल दो, कैश फंड में, कैश फंड में पैसा इन्वेस्ट कहां, ये एमसी पैसा कहां इन्वेस्ट कर सकती है, इस फंड का, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रिपल ए रेटेड। सर सुने गौर से, इसका रिटर्न टोटल 10%, ठीक है। इस एमसी का नाम है हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। एक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम है मीजान, चलाता एसेट नहीं, उसमें पैसे डाले हो ना, उसमें हबीब एसेट मैनेजमेंट में पैसे डाले हो ना, ऐसी है ना, बाकी आखान से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो आखानी कम्युनिटी चलाती है, हबीब बैंक को आखानी कम्युनिटी चलाती है, ठीक है ना, और बड़ा जबरदस्त चलाती है, ठीक है। अब बताए मीजान बैंक है सर, मीजान एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका भी एक कैश फंड है ऐसा, इसका रिटर्न भी कितना होगा, 10%। क्यों, ये दोनों कैश फंड पैसा कहाँ डालते हैं, ऐसे बैंकों में डालते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं ऐसा, इनका इसका रिटर्न भी 10%, इसका रिटर्न भी 10%। ये जो इन्वेस्टर है चाचा, इससे पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, अभी एसेट में, अगर ये 11% का रिटर्न दे रहा होता तो ये पैसा मीजान में डाल देता ऐसा। अब इन्हीं में एक और कंपनी यहाँ बैठी है जो है चोर एमसी, कौन सी, चोर एमसी, ये रिटर्न दे रही है अपने कैश फंड पे 14%, कितने का, सब हैरान, ये क्या चला रहा है, 14% कहाँ से ला रहा है, सारा मार्केट का पैसा ही जरा रहा है। अब ये पता करती क्या, और दस, ये कैश फंड करती क्या, ये कैश फंड में जो इन्वेस्टर पैसा देता है ना, ये एक पर्टिकुलर ट्रिपल ए रेटेड बैंक को देता है, और उस ट्रिपल ए रेटेड बैंक को कहता है कि मेरे पैसे पे ना एक TFC खरीद, उस TFC में 15% का रिटर्न मिलेगा, 1% तुम रखो, 14% मुझे, ठीक है। तो बैंक ने कहा अगर पैसा डूबा, इसने एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, मैं आपको कॉम्पनसेशन दे, लेकिन ये दो नंबर ही मुझे करके दे, ठीक है जी। और ये बैंक ऐसा है जो इसका दोस्त है, बड़े पुराने पापी हैं दोनों मिलकर, बड़े पाप किए उन्होंने,
ठीक है जी, ये कैश फंड 14% का रिटर्न दे रहा है, क्लियर फ्रॉड है, पकड़ेगा नहीं, क्यों? म्यूचुअल फंड्स को गवर्न करता है SECB, बैंक को गवर्न करता है स्टेट बैंक, दोनों के रेगुलेटरी अलग, कभी हाथ ही नहीं आए ये लोग, करते रहे। फिर इसमें जो CFO था उसको अल्लाह ने अकल दी, इसने हराम खाना छोड़ दिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, गुनाह का काम है ये, इसे काम नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ फ्रॉड है, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर का बाप भी नहीं पकड़ सकते। ऑडिटर आते थे हमसे क्या लेते, GL दे ट्रायल बैलेंस दे, GL दे ट्रायल बैलेंस दे, ये पैसे कब आए, ये कब गए, सब दिखा दिया। उससे हमसे पूछा ही नहीं कि भैया 14% कहाँ से कमा रहे थे, क्यों? उनको बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन का कोई राइट होता है? वो पूछते ही नहीं, वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर आ रही है वो सही है। हम कहते हैं हाँ सही है, देखो ये कैश गया, पढ़ा ना उसके बाद, वो कैश आया, सूद देखो 14% से दे रहा है बैंक का, सर आपको इतना सूद कैसे मिल रहा है? वो बैंक से जाके पूछो, ठीक है, बैंक से जाके पूछेगा वो, नहीं वो बैंक का ऑडिटर SECB नाम से कहा भाई इतना पैसा कैसे कमा रहे हो, मैंने कहा बैंक से पूछो वो क्यों दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, कैश फंड ने पैसा किसको दिया, बैंक को दिया, क्या बोल रहे, ये पैसा मैं आपके पास जमा नहीं करवा रहा, इस पे ना एक खतरनाक किस्म का बॉन्ड खरीद, वो आपको रिटर्न देगा 15%, 1% आप खुद रख लेना, बाकी 14 मुझे दे, ठीक है। बैंक ने कहा ये TFC खरीदूंगा तो मुझे लॉस भी हो सकता है, हमने एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि जो लॉस होगा किसी ना किसी तरीके से हम आपको पैसा पहुंचा देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं देते, मैनेजमेंट हर एक चीज थोड़ी बताती है आपको। सर फिर तो लोग इसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ इसी तरह हुआ, लोगों ने दबा के इन्वेस्टमेंट इसमें की, 14% का रिटर्न कहाँ से दे रहा है ये। फिर एक पॉइंट पे आगे इन लोगों ने कहा यार बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के सामने आ जाएगा ये, फिर आ गया 10 से 11%, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मार्केट ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी, आपको पता है TCS एक कंपनी है ना, इसी तरह की बहुत सारी कोरियर कंपनी है, तो लोग कोरियर कंपनी के थ्रू ना फॉर्म्स भेजते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब फॉर्म भेजा, अगले दिन फॉर्म रिसीव हुआ, मार्केट बढ़ गई, फायदा हो गया उसको, ठीक है। TCS के एनवेलप्स ठप्पे लगे हुए अवेलेबल है, मार्केट बढ़ गई, आपने लास्ट डे में दिखा दिया कि मैंने एक फॉर्म भेजा था, आपको क्या मिल गया उसका, फायदा मिल गया, नुकसान हो गया। आपने कहा लास्ट डे TCS का एक फॉर्म जो है ना वो हमने भेजा था कि हमारे पैसे वापस चाहिए, वो फॉर्म जो है वो आपको देर से मिला, मैंने तो भेज दिया था भाई, ठप्पा लगा के भेज दिया, हमने खुद काम कर दिया। कितनी दो नंबरी इस फाइनेंशियल सेक्टर में है पाकिस्तान में कि आपकी सोच है। अब मुझे बताओ क्या ऑडिटर आज इसको पकड़ेगा, अरे सीधा सीधा काम करके चले जाते हैं। मुझे बताओ तो फ्रॉड पकड़ सकता है ऑडिटर, नहीं सर। ARTT में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओनर है, खुद को जो है वो समझता है कि भाई वो अच्छी चीजें उसको आती है, नॉलेज है उसको। दूसरा पार्टनर कौन है, टैक्स कमिश्नर है, वो समझता है कि वो टैक्स इन्वेस्टिगेशन का हेड है करंटली कराची का। एक बंदा हमें चूना लगाता है, और ऐसा चूना लगाता है आप यकीन करें कि मैं उसको दाद देता हूं, मैं कहता हूं वाकई इस बंदे ने चूना लगाया। और सुनो, आपने अभी जब फी रिसीट ली होगी, फी रिसीट पे क्या आ रहा होगा, एक नंबर आ रहा होगा 41, ऐसा फी रिसीट होगी, हमने नंबर डलवाया गया, कोई बंदा बीच में से रिसीट ना पड़े, एक दफा सीन हो गया, सीन हो गया भाई। ये जो किताबें जहां से प्रिंट हो गया आती थी ना, गलती से वो बंदे के पास ना पहुंच गया। मैंने कहा जी हमने आपसे अभी को 50 किताबें प्रिंट करवाई है, सर 80 किताबें प्रिंट करवाई, मैंने कहा 80, हमने तो आपसे 100 फी की बुक्स प्रिंट करवाई, सर आप गलत कर दी, मैं 80 बुक्स प्रिंट करी, आपका बंदा ही लेके गया, जमीन मिलेगी ना पैरों के, तो मतलब कुछ कॉपियां ऐसी भी गई हैं, उस बंदे ने कहा मैं कागज पढ़ूंगा ही नहीं, किताब ही अलग ही है। तो वो क्या करता था, कुछ फीस ARTT की किताब पर रिसीव कर लेता था, बाकी शाम में 2-3 फीस अपनी किताब पर रिसीव कर लेता। अब आपको पर्ची मिल गई, जब आप क्लास में आते थे फिजिकल क्लासेस चल रही होती थी, आप पर्ची दिखा के अंदर, ऐसा पर्ची बाकायदा प्रॉपरली ARTT की किताब ही बनी है ना फी की, टेंशन नहीं, पकड़ा ऐसे गया कि
वो बंदा हाथ आ गया, उसने कहा 80 किताबें लेके गई, हमने जाकर पता किया, कुछ नहीं बोला हमने उसको। खाना खाने वो बंदा निकला, हमने उसका बैग खोल दिया, बैग में माशाल्लाह 2 कॉपियां निकली और फुल पूरी। तो हमने काउंट किया कोई 50 लाख रुपए के करीब वो चूना लगा दिया। हाँ माशाल्लाह आज उन्होंने सब कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं सर, फ्रॉड पकड़ सकता ऑर्डर? नहीं। अब बताएं सर, क्या फ्रॉड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के किया जाता है? हाँ, कोलूजन करके किया जाता है, ऑडिटर उसको आमतौर पर पकड़ नहीं सकता। तो कहीं फ्रॉड हुआ है ना, तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो छोड़ दो बेटा। ठीक है जी, बमुश्किल आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हो, लेकिन याद रखना हम लिख के देते हैं उसके अंदर कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन नहीं हुए। तो क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है ऑडिटर? अभी भी नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गई सर वो 5 चीजें जो स्टैंडर्ड में लिखी गई, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, और नंबर 2 सैंपल बेसिस पे हम काम करें, नंबर 3 टाइम और कॉस्ट का इशू है इसलिए हम पूरा काम नहीं करते, नंबर 5 नंबर 4 सर मैनेजमेंट में भी पूरी इंफॉर्मेशन दे ना दे, और सर आखिरी फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है ऐसा क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से होता है ऐसा। अब सुनो जरा दोस्त, ये 3 जो है ना वो एडिशनल है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड में डिफरेंट जगहों पे लिखी है, ये उस हेडिंग के नीचे नहीं लिखी जिस हेडिंग के नीचे इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी, ये अलग लिखी। नंबर 1, ऑडिटर के पास ना कोई लीगल पावर नहीं है सर्च करने। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। हमारा एक दोस्त था, वो एक ऑडिट पे गया एक कंपनी के, उस कंपनी की 2 सब्सिडरीज थी और वो दोनों सब्सिडरीज डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल समझ लो कोई काम नहीं करती। काम कौन करती थी? मेन कंपनी का, दोनों डिसफंक्शनल। नीचे वाली दोनों कंपनी में ठीक ठाक काम हो रहा था, लेकिन सेल्स टैक्स को छुपाने के लिए उसको क्या दिखाया हुआ था? डिसफंक्शनल दिखाया हुआ था। ठीक है जी, एक दिन वो काम कर रहा था क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर, ऐसी एक फोल्डर खोल दिया उसने, तो फोल्डर में एक एक्सेल की शीट थी, उसमें नजर आया इतनी सेल परचेज हुई है फलां कंपनी, और वो फलां कंपनी ने अपनी बुक्स में दिखाया ही नहीं। अब बताओ सर क्या करें? हम गए पार्टनर को बोल के, ये सर ये चीज पकड़ी है इस बच्चे ने। पार्टनर ने कहा यार हमारे पास ना कोई जवाब नहीं है, हम उसको जस्टिफाई कैसे करें? कहां से पता चली? क्या बोलेंगे? नहीं, कहां से पता चली? क्लाइंट ने दिया? नहीं, क्लाइंट ने तो नहीं दिया। फिर सिस्टम में जाके चोरी की? सर यू हैव नो पावर टू सर्च, ये याद रखना, आपके पास पावर टू सर्च नहीं है। आप क्लाइंट से मांगोगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है पूरी इंफॉर्मेशन देने की, आपकी जबरदस्ती इंफॉर्मेशन लेने की वो नहीं है, ताकत नहीं है। सर क्या हुआ? ऐसे ऑडिट से विड्रॉ होते हैं, फिर लोग छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। एक हैदराबाद में कंपनी है ट्रीट कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, खाली रोड अगर हैदराबाद के किसी ने देखा उसके ऊपर मौजूद। एक बंदा गया स्टॉक काउंट करने के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन, गौर से सुनना, स्टॉक काउंट करना यूनिट पे जरूरी है, आप उसके बगैर ऑडिट रिपोर्ट नहीं साइन करते। उन दिनों में कोई कायमखानी नाम का वहां बंदा है एमपीएम का, उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था, अनीस कायमखानी का, ठीक है जी, उसके वालिद साहब का हो गया था उस वक्त इंतकाल, पूरा हैदराबाद बंद। वो 31 दिसंबर को पहुंच गया वहां पर। अब जब पहुंचा 31 दिसंबर को तो वो क्लाइंट पे गया, अब उनका दरवाजा पीट रहा है कि जी मैं स्टॉक काउंट करने आया हूँ, सुराख से देख रहा है अंदर लोग भी बैठे हैं, ठीक है जी, और वो दरवाजा नहीं खोल रहे, उनको ये डर था कि पता नहीं कौन आया भाई ये दरवाजे पीट रहा है। इस भाई ने क्या किया, मैनेजर को फोन किया कि भाई ये तो स्टॉक काउंट करने नहीं दे रहे। मैनेजर ने कहा यार तुम्हारा बाप भी स्टॉक काउंट करेगा, कोई बहाना नहीं करो, कुछ भी करो स्टॉक काउंट करके आना, अदरवाइज हम रिपोर्ट कैसे साइन करेंगे। दोबारा दरवाजा पीटना शुरू। ये बंदा करता ही है कि दरवाजे पे फलांग ना ऊपर ऐसे बैठ जाता है दरवाजे, अब बैठा है नीचे वो कुत्ता भौंक रहा है। वो क्लाइंट ने देख लिया कि यार ये क्या कर रहा है, क्लाइंट ने पार्टनर को फोन कर दिया, कहता यार ये क्या तरीका, ये कौन सा स्टॉक काउंट है, ठीक है जी। अब उस समय मैनेजर पे डाली, पार्टनर ने बुला के क्लास ले ली कि अगर एक ऑडिट प्रोसीजर करने आपको मैनेजमेंट नहीं देती ना, आप आ जाए आप लिख दें कि जी ऑडिट प्रोसीजर नहीं हुआ और इसकी वजह से एक स्कोप लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई? स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऑडिट प्रोसीजर नहीं करने दिया जा रहा, आप अपनी रिपोर्ट में क्या करें क्वालिफाई करने रिपोर्ट कि भाई मैंने एक प्रोसीजर किया ही नहीं कि मुझे करने नहीं दिया गया, ये तरीका ही नहीं है कि आप क्या करें घुस जाए सर अंदर। नहीं तो सर याद रखना हमारे पास क्योंकि कोई लीगल पावर टू सर्च नहीं है तो सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हम आस पास भी नहीं दे सकते। हमारे पास सर पूरा काम करने को, पुलिस वाले का हमारे पास रोल हो, कंट्रोल हो, मजिस्ट्रेट लेवल की पावर्स हो, तो हम सीएफओ के कमरे में घुस के उसका लैपटॉप छीने, बंद करें उसको और फिर उसके बाद हम ऑडिट शुरू करें, नहीं सर नहीं हमारे पास। फिर
और सुनना, हमारे पास कोई लीगल पावर टू सर्च नहीं है। अगर एक प्रोसीजर क्लाइंट नहीं करने दे, हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं कर रहे हो, इस पर हम अपने रिपोर्ट पे इंपैक्ट देख लेंगे क्या आ रहा है, लेकिन हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। फिर सर जरा गौर से देखिएगा सर, मोस्ट ऑडिट एविडेंस आर परसुएसिव रादर देन, आप जरा गौर से सुनना। एक जज के सामने आप खड़े हो, आप वकील हो, इस बंदे पे कत्ल का इल्जाम, चश्मदीद गवाह खड़ा हुआ है, एक बंदे पे कत्ल का इल्जाम है, इसके बराबर में चश्मदीद गवाह खड़ा है, वो कह रहा है मैंने इसको कत्ल करते हुए देखा है। वकील ने पूछा आपने क्लियरली देखा था इसको? उसने कहा नहीं, मुझे दूर से नजर आया कि ऐसा ही है, मुझे लगा यही बंदा है। मुझे बताओ क्या इस बेसिस पे इसको सजा हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा इसका मतलब है सर, वकील जब फैसला देता है ना, सर जज जब फैसला देता है वो कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस होता है। ऐसा हम ऑडिट में काम नहीं करते। हम ऑडिट के अंदर परसुएसिव एविडेंस के ऊपर भी मान लेते हैं, बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। यानी आपको लगा कि काम सही हुआ है, रीजनेबल आपको एविडेंस मिल गया, आप क्या करें? एक्सेप्ट कर लें कि काम बिल्कुल सही हुआ, ठीक है जी। आप कंक्लूसिविटी के ऊपर नहीं जाओ। मिसाल के तौर पे एक बंदे को आपने लेटर लिखा कि आपने कंपनी को 5 लाख रुपए देने, वो मान गया जी बिल्कुल देना, उसे लिख के दे दिया आपको, ये इनफ है इस एविडेंस के लिए कि इस बंदे से कंपनी ने 5 लाख रुपए लेने। क्योंकि हम, हमारे ऑडिट एविडेंस क्या है? परसुएसिव है। हम कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस अक्सर केसेस में नहीं ले पाएंगे, इससे हम ऑडिट को लटकाएंगे नहीं, हम मान जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिट एविडेंस आप ले रहे हो, अगर वो कंक्लूसिव ही नहीं है, सिर्फ परसुएसिव नेचर का है, तो क्या ऐसे केस में आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हो? नहीं सर। अब बताएं सर, अगर ये ऑडिटर है और सामने जज और इसे कत्ल किया, तो परसुएसिव एविडेंस में हम क्या करें? ऑडिटर को तो हम कह रहे हैं तुमने हामी भर लेनी कि हाँ भाई सही है। तो बताएं सर, मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस आर परसुएसिव रादर देन, और हमारे लिए वो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ही सफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं देखते यार, अक्सर बेशतर 100% एविडेंस का कंक्लूसिव होना इम्पॉसिबल है। तुमने एक कंपनी की बैंक स्टेटमेंट देखी, इत्मीनान आ जाएगा कि पैसा बैंक में पड़ा है, उस बैंक ने कंफर्मेशन भी दे दी, अब इत्मीनान आ गया, पता चला दोनों चीजें जाली हैं। फिर तो हम कहते हैं भाई चूंकि दोनों चीजें सामने आ गई थी और एक रीजनेबल बंदा है, दो चीजों को देख के क्या कहेगा? मामला सही है, तो हम एविडेंस परसुएसिव नेचर के भी एविडेंस को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई 100% कंक्लूसिव एविडेंस बाज औकात नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? परसुएसिव यानी हल्के एविडेंस के ऊपर भी काम चला लेते हैं। अच्छा नहीं बता रहा हूँ, मोटो बता रहा हूँ, परसुएसिव का मतलब है 100% ना भी करेक्ट हो तब भी आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज नोट करना अच्छे तरीके से ताकि समझ में आ जाए। सर मुझे एक बात बताएं, हमारे जो ऊपर से हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स हैं वो अच्छी खासी फिगर्स, उसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। नंबर टू सर हम सैंपल बेसिस पे काम कर रहे हैं। नंबर थ्री कॉस्ट और टाइम हमारे पास इतना कम है कि हम 100% काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट मे और मे नॉट प्रोवाइड 100% इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। फ्रॉड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर नॉट डिजाइन टू डिटेक्ट फ्रॉड। फिर जी सर हमारे पास कोई लीगल पावर टू सर्च नहीं है, और सर हमारे पास एविडेंसेस मोस्टली ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं रादर देन के कंक्लूसिव हो। अब एक चीज अच्छे तरीके से सुनना मेरे बच्चों, ये आखिरी चीज है, ये समझ आ गई तो हम आगे के एरिया पे सुकून से मूव कर जाएंगे। सर मुझे एक बात बताएं, सर मैं आपसे एक बात करता हूँ। सर मैंने ना एक बंदे से पैसे रिसीव करने, या मेरे क्लाइंट ने एक बंदे से पैसे रिसीव करने 100 रुपए, ऐसा इसको वेरीफाई कैसे किया जाए? सोचो, एक बंदे से 100 रुपए रिसीव करने, रिसीवेबल है, आप ऑडिट पे गए, आपने क्लाइंट से पूछा 100 रुपए से रिसीवेबल है, उसने कहा जी, कैसे वेरीफाई करूं बीइंग एन ऑडिटर के वाकई 100 रुपए रिसीवेबल है? सुनो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। नंबर वन, इस बंदे से एक जनरल लेजर का प्रिंट ले, सीधी सी बात है अगर हमारी बुक्स में रिसीवेबल है, इसकी बुक्स में क्या आ रहा होगा? तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ले लेते हैं हम इससे कि भाई मैंने इतने पैसे आपको देने, सफिशिएंट है ये? कुछ ऑडिटर्स के लिए सफिशिएंट होगा, कुछ कहेगा नहीं यार मुझे तो और एविडेंस चाहिए। वो जाएगा सेकेंड स्टेप, क्या करेगा? इसको एक कन्फर्मेशन लेटर भेजेगा कि मुझे लिख के दो कि ये पैसे आपने पे करने, और लिख के मुझे दो, ऑडिटर को दो, मैनेजमेंट को नहीं दो, क्लाइंट को नहीं दो, किसको लिख के दो?
मुझे लिख के दो कि तुमने वाकई इस बंदे को पैसे दिए। ऐसा कुछ ऑडिटर्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो हामी भर लेंगे कि हाँ ठीक है ये एविडेंस सफिशिएंट है। फिर ऐसे भी दो सकता है ऐसे जो 100 रुपए रिसीवेबल है इसके अगेंस्ट जो सेल्स हुई है उसकी हम क्या निकलवा लें, इनवॉइसेस निकलवा लें, डॉक्यूमेंट्स निकलवा लें, बाकी चीजें निकलवा लें। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, कुछ ऑडिटर पहले स्टेप पे ठंडे हो जाएंगे, कुछ ऑडिटर ऐसे होंगे जो दो स्टेप्स करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 3 पे जाएंगे। इसका मतलब है सर ऑडिट प्रोसीजर की सिलेक्शन जजमेंटल है। ऐसा ऑडिट प्रोसीजर्स की सिलेक्शन क्या है, जजमेंटल है, मर्जी ऑडिटर की भाई। जहां उसको लगता है ये प्रोसीजर अप्लाई करना है ये कर ले, दूसरा करना है दूसरा कर ले, तीसरा करना है तीसरा कर ले, कोई मसला नहीं। मुझे एक बात बताएं, कुछ ऑडिटर रीजनेबल थोड़े से एविडेंस के ऊपर कंक्लूड कर देंगे कि मामला सही है। कुछ ऑडिटर ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एविडेंस लेने के बाद ये कंक्लूड करेंगे कि मामला सही है या सही नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं सर, कुछ ऑडिटर कम प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन एक तरह दे रहे हैं, कुछ दूसरी तरह दे रहे हैं। आपको नहीं लगता ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करने में और कंक्लूजन ड्रॉ करने में एक इंडिविजुअल का जजमेंट इन्वॉल्व है, वो जजमेंट गलत भी तो हो सकता है। ऐसा तो क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है? नहीं सर, वो ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करने में सब्जेक्टिव है। और सर ऑडिट एविडेंस जमा होने के बाद इस चीज का कंक्लूजन देने में कि मामला सही है या सही नहीं है, उसमें भी सर उसकी जजमेंट इन्वॉल्व है। तो इतनी सारी जजमेंट इन्वॉल्व है तो उसका मतलब है सर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि एस्टिमेट्स और जजमेंट कहाँ का इन्वॉल्व है जो एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने से ऑर्डर करो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स में जजमेंट इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, और ऑडिट प्रोसीजर्स और कंक्लूजन ड्रॉ करने में भी क्या क्या इन्वॉल्व है? जजमेंट ऑफ एस्टिमेट्स इन्वॉल्व। ऐसा है तो हम सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अब याद रखो सर, ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए ना, 4 पॉइंट्स ऐसे, 5 पॉइंट जो स्टैंडर्ड में एक जगह लिखे, बाकी 3 पॉइंट्स लिखे हुए डिफरेंट जगहों पे, तो एक जगह मैंने जमा करके डाल दिए, ठीक है जी, ताकि आपसे अगर सवाल पूछे, सवाल हो 8 से 10 मार्क्स तो आप क्या लिखे, सारे प्रोसीजर लिख दें। सवाल सर 5-6 मार्क्स का आता तो आप ऊपर वाले 5 प्रोसीजर लिख दो तो भी काम चल जाएगा। ऐसा है, किसी का कोई सवाल इसमें आगे बढ़े? जी मेरे बच्चे, कंफर्मेशन? नहीं, देखो एक बात सुनो, कंफर्मेशन लेटर है क्या? तुम बैंक हो, ठीक है जी, मैं ऑडिटर हूँ, ये क्लाइंट है मेरा, ठीक है जी, मैंने इसको कहा तुम्हारे बैंक में कितने पैसे पड़े, इसने कहा सर बैंक में 500 रुपए पड़े, बैंक कौन है? तुम हो। मैंने तुम्हें लेटर लिखा कि इसके 500 रुपए हैं तुम्हारे पास, तुमने डायरेक्ट मुझे जवाब दिया कि हाँ इसके 500 रुपए, ये बंदा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, ये है कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन में क्या होता है, आप थर्ड पार्टी को डायरेक्ट एड्रेस करते और उससे जवाब भी डायरेक्ट लेते, दरमियान में क्लाइंट को इन्वॉल्व भी नहीं करते, तो ये बेस्ट ऑडिट एविडेंस होता है, ठीक है जी। 0.7 रिपीट कर दें भाई, मैं फिर रिपीट कर लूँ, जब आप ऑडिट एविडेंस जमा करते हो बाजों का ऑडिट एविडेंस 100% कंक्लूसिव नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे एक गाड़ी आपने सर वेरीफाई करनी है कि गाड़ी कंपनी की है या नहीं, क्या करोगे आप? उसके डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लो, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे तो मसला नहीं। देख लीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि वो डीड जाली बन सकते? बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन सर सीधी सी बात है, मैं कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बस हाँ परसुएसिव है। एक आम बंदा इतना एविडेंस देख के ये यकीन कर लेगा कि गाड़ी कंपनी की, इतना डिटेल में जाके कि मैं उसके रजिस्ट्रार के पास जाऊं और वो आगे निकलवाऊं और फिर मैं गाड़ी का चेक नंबर चेक करूं, नीचे घुस के सर पाने लगाऊं, नहीं। इतने एविडेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, कंक्लूसिव नहीं, हम कंक्लूसिव नहीं परसुएसिव, लेकिन हम क्या करेंगे मान लें नहीं, उसमें हम लिख के देते हैं कि आपके मैनेजमेंट से इजाजत लेके, और वो आपकी मैनेजमेंट से वाकई इजाजत लेके जब जवाब दें। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व सिर्फ इस हद तक होती है कि आप जवाब दें, ठीक है, वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती कि ये जवाब दें, और वो बंदा खुद फंस जाएगा। नेगेटिव कंफर्मेशन कुछ और है, नेगेटिव कंफर्मेशन ये है कि आप किसी बंदे को एक लेटर लिखो, कहो भाई इस बंदे से 500 रुपए, इस बंदे के 500 रुपए हैं आपके पास, अगर है तो जवाब नहीं दो, और अगर नहीं है तो फिर हमें बताओ, ठीक है जी। खामोशी रजामंदी है, नेगेटिव कंफर्मेशन का ये मतलब है। हमने आगे देखना है 505 कंफर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, याद रहेगा भैया ये 7 पॉइंट याद रहेंगे, जल्दी से बताओ ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या क्या। देना पड़ती है, मजबूरी हमारी नहीं। फिर सर ऑडिटर जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, किस तरह देता है रीजनेबल अश्योरेंस?
किस चीज के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस देता है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और सर किस फॉर्म में देता है? रिपोर्ट की फॉर्म में देता है सर। दूसरी जिम्मेदारी क्या? कम्युनिकेट करना है किसको? डायरेक्टर्स को। तीन चीजें, मैं इंडिपेंडेंट हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, और ना स्कोप और टाइमिंग प्रोसीजर के तुम बताओगे उसको सर। और ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस भी आइडेंटिफाई करोगे, और अगर कोई रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन आनी है तो उसको वक्त से पहले बता दोगे। आई कैप को क्या बताओगे? अगर आपको ड्यूरिंग द टेन्योर रिमूव किया गया है तो आप एक फैक्ट का स्टेटमेंट उसको भेजोगे, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ऑडिट रिमूव किया होगा, विड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। और सर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, अगर लॉ हमें कहे किसी इवेंट को रिपोर्ट करना है और वो इवेंट क्लाइंट पे हो तो हम एज पर लॉ उसको रिपोर्ट करें, ऐसा है। अच्छा जी, ये याद हो गया भैया, सारी चीजें याद, डन, एक स्टेप आगे जाए तो कर सकता है। मसला ये कि एक ऑडिटर आया आपको, उसने कहा कि जी मुझे अपना स्टॉक वेरीफाई कराओ, आपने कहा नहीं कराऊंगा, ठीक है जी, क्या करूंगा, नहीं कराऊंगा। उसने कहा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस गैप के हिसाब से बनाए हैं जबकि आईएफआरएस के हिसाब से होने चाहिए, आपने कहा नहीं करूंगा चेंज। उसने कहा फिर एक काम कर, ऑडिट भी किसी और से करा, किसी बात में फीस नहीं मिलेगी, ठीक है जी। हाँ, तो इसलिए ऑडिटर को कहा जाता है कि अगर आप ऑडिट में बहुत आगे निकल गए तो फिर आप विड्रॉ ना करें, बल्कि रिपोर्ट में मामला दें। फिर आपने सर आप कुछ एविडेंस नहीं मिला है, मेजर एविडेंस नहीं मिला, आप रिपोर्ट में लिख दें कि चूंकि मुझे एविडेंस नहीं मिला तो मैं ओपिनियन नहीं दीजिएगा। आगे बता रहा हूँ क्वालिफाइड क्या है, ये सारी चीजें क्या भी डिस्कस कर रहे हैं, स्कोप लिमिटेशन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, रुक जाओ, बड़े नेक्स्ट स्टेप आगे। अच्छा जी, है आयजा 200 ही चल रहा है, अगले 7-8 क्लासेज आयजा 200 ही चलेगा, दूसरी क्लास में आयजा 500 भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लास्ट अटेम में 8-9 मार्क्स आए ना आयजा 200 से, ठीक है जी। और फिर मैं बच्चों को ये कहूँ क्या दिए तुम्हें पता होना चाहिए था, गधे हो यार, तुम्हें पता नहीं है। नहीं भाई, मैं जो चीजें करा रहा हूँ आपको याद करनी है, यही ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी। आपको ये मैं नहीं कहूँगा कि यार ये तो बस पता ही होगा ना तुम्हें, पता ही होगा वाले सीन पे क्या होता है, मामला आउट हो जाता है सर। मुझे बताएं सर, एक ऑडिट में कितनी पार्टीज हैं? ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। सर ये पॉइंट को मजीद डिटेल में लिखें या बस एक दो लाइन लिखना काफी है? सर देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको इस लाइन को समझ आती हो, और सर किसी एक केस में अगर ये लाइन आ भी जाती है ना, आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर लोगे, हमने इतनी क्लास में डिस्कशन कर ली है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद ये मोटे मोटे अल्फाज करें, ठीक है जी। देखो मैं ये इतना टाइप किए हुए नोट्स भी लेकर आ जाता, नहीं मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने टाइम के अपने हिसाब से बनाए हुए, मैं इसी तरह से चीजें कराऊंगा। आगे जब कुछ स्टैंडर्ड आएंगे उसमें मैंने प्रेजेंटेशन बनाई और बहुत तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है जी, वैसे ही कि उनके विजुअल्स आपको याद आए। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, जो बंदा चीजों को याद नहीं करेगा ना, अब आपने पूरी इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ ली, सब समझ आता है आपको। मैं अभी आपसे पूछूं एस्टिमेट्स का क्या मतलब, आप एक मिनट में बता दो। मैं आपको कहूं भाई एविडेंस परसुएसिव है कंक्लूसिव नहीं, आप एक मिनट में एक्सप्लेन कर दो। लेकिन यार आपको चीजें एग्जाम में याद नहीं आएंगी, या आप इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखने बैठोगे ना, तीन के बाद चौथा याद नहीं आ रहा होगा अगर आपने याद नहीं किया, ठीक है। आप ये करके देख लो, आपको अंदाजा हो जाए, एक अटेम्प्ट ही लगेगी। हाँ जी, अब एक बात सर, ऑडिट में कितनी पार्टी है सर? तीन है। कौन कौन सी? शेयर होल्डर है, डायरेक्टर हैं या मैनेजमेंट है, और ऑर्डर, ऐसा। मुझे एक बात बताएं, क्या हमने इन तीनों पार्टीज की जिम्मेदारियां देखी? सर दो की देखी हमने, मैनेजमेंट की और सर मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती है बल्कि राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स होते हैं सर। अच्छा जी, जरा सा बोर्ड भी देखना इस डायग्राम को, दो डायग्राम्स मैं आपके सामने रखा, प्लीज बोर्ड भी देखना। शेयर होल्डर ने अपॉइंट करना है किसको? मैनेजमेंट को, ऐसा पहला स्टेप। मैनेजमेंट ने क्या करना है? और ऑर्डर को अपॉइंट करना है। फिर मैनेजमेंट ने क्या करना है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन करेगा? और ऑडिटर क्या इशू करेगा? ऑडिट रिपोर्ट किसको इशू करेगा? शेयर होल्डर्स को। ऐसा है, ये तीनों पार्टीज आपस में इस तरह कनेक्टेड है कि शेयर होल्डर ने दो लोगों को अपॉइंट करना है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑर्डर को देने, ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को वापस करेगा, शेयर होल्डर्स को नहीं देगा। और सर शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक चीज देगा, वो क्या?
सारे वो ऐसा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ऐसा। भाई प्रैक्टिस पे कम ध्यान दोगे तो तबाह हो जाओगे, प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है लेकिन चीजें ध्यान में भी रखनी है, ठीक है जी। मैं आपको कह रहा हूँ यार आपने फायरिंग करनी है, बंदूक में गोलियां पूरी रखनी है। आप कह रहे हो नहीं मैं खाली बंदूक लेके जाऊंगा लेकिन फायरिंग बहुत करूंगा, तो इससे काम नहीं होगा भाई। बंदूक की बात कर रहा मैं, कह रहा हूँ छरे भी पूरे रखो, कारतूस भी पूरे रखो, बम भी पूरे रखो। हाँ ये एक अलग मसला है, तो बंदूक चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लेकिन बंदूक खाली चलाया जा रहा है टकाटक की तो फिर आवाजें ही आएंगी, कुछ होगा नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़े करना को एक बात बताओ, सबसे अच्छी फिजियोथेरेपी कराची में कहाँ होती है? आखान में, आखान में अच्छी फिजियोथेरेपी, आखान वालों ने हमें लास्ट टाइम रिकमेंड किया था कि आप एनएमसी जाएं, फिजियोथेरेपी करानी भी चीज की हो बेटा, उसके चेहरे की ना एक साइड चलती नहीं। अच्छा अच्छा हो जाता है, तो बेटा पैदा हुआ बचपन से उसकी चेहरे की एक साइड चलती नहीं, ठीक है ना। रात को सोता उसकी आंख हम जबरदस्ती ऐसे बन जाए, ठीक है ना, तो फेस पालसी इसको कहते हैं, तो वो उसको हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस का कंटेंट क्या होगा, सवाल होंगे, जवाब होंगे और क्लास में ड्राफ्टिंग होगी। भाई तू नाम तो ओरिजिनल रख ले, सवाल पूछे जा रहे भाई तू है, तो मुझे स्टूडेंट नहीं लग रहा था यार। अच्छा सर सुने सुने मेरे बच्चे, प्रोवाइड आर ए इज रीजनेबल अश्योरेंस, ये मेरे बच्चों नाम अपना लिखने में तो बहुत आ रही है मेरा भाई। चले जी बड़े मांगे दोस्त, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखो, ये एक छोटी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके ऊपर नीचे आई का आपका सवाल आ रहा है, ठीक है, बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे भाई। सर मुझे एक बात बताएं, तीन पार्टीज हैं ऑडिट में, तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? मेरा पहला सवाल तुमसे, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में, ऑडिटर की कौन साइड पे कर रहा है मुझे बताओ, मैनेजमेंट रिपोर्ट करती है किसको, इसका मतलब है शेयर होल्डर्स अन्नदाता है किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है जी। सर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में तीन रिलेशनशिप्स हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है ना वो स्टीवर्ड है किसकी, शेयर होल्डर की। स्टीवर्ड का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर ने सारे एसेट्स दे दिए किसको, मैनेजमेंट को, भाई तू चला काम तू कमा के दे, ऐसा। तो सर अगर सारी भेड़ बकरियां एक बंदे को दे दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीवर्ड कहते हैं। सर तो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की क्या है, स्टीवर्ड है, सारे एसेट शेयर होल्डर के बिहाफ पे और उनके बेनिफिट के लिए मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करती है, ऐसा। फिर एट द सेम टाइम क्या मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे सारा काम करती है, नहीं सर। जब कंपनी फॉर्म होती है ना तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें क्लॉज डलता है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। क्या डलता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या लिखा होता है,
कि हमारी कंपनी ये काम करेगी, ऐसा तो सर शेयर होल्डर मैनेजमेंट से क्या काम करवाना चाहते हैं ये उस डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। ऐसा क्या मैनेजमेंट इस चीज की कायल है या इस चीज के ऊपर पाबंद है कि वो वही काम करे जो डायरेक्टर्स ने, सॉरी जो शेयर होल्डर्स ने उस मेमोरेंडम में लिखा है? हाँ सर। सर एक कंपनी है और सुना, पाकिस्तान में बड़े केसेस ऐसे हुए हैं, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक कंपनी है सर जिसने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि वो एक बैंक है, ठीक है जी, क्या है जनाब, एक बैंक है, डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटी उसका काम है, और वो एक एयरलाइन कंपनी खोल ले, तो क्या ये चीज अलाउड है? नहीं सर, ये चीज अलाउड नहीं। मसला क्या है सर? हम कहेंगे जी डायरेक्टर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके काम किया। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं सर, खैर अब तो नया तरीका आ गया ना पाकिस्तान में, अब नीचे वो लिख देते एनी अदर बिजनेस, सब कवर, ठीक है, तो ये बगैर के शुरू हो चुकी हैं। लेकिन खैर सर, सर मुझे एक बात बताएं सर, मैनेजमेंट एक तो स्टीवर्ड है, फिर और मैनेजमेंट क्या? एजेंट। एजेंट का मतलब मालिक का हुक्म मानने वाला, प्रिंसिपल का हुक्म मानने वाला। प्रिंसिपल ने हुक्म कैसे दिया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। तो सर क्या करेगा? ऑपरेट द कंपनी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर थ्रू कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स का मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स से कंपनी फॉर्म हुई है वो कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और तो बताओ सर, क्या एक शेयर होल्डर, क्या एक मैनेजर या मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है वो एजेंट है शेयर होल्डर्स का? यस सर। एजेंट का मतलब प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस पे काम करने वाला। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के थ्रू, पक्का। तीसरी चीज सर, जब आपको एसेट्स भी दे दिए, आपको काम करने के लिए गाइडेंस भी दे दी, तो फिर आप अकाउंटेबल भी तो हो ना, साल के एंड पे आके बताओगे तो सही ना कि मैंने क्या काम किया। एसेट्स आपके हवाले कर दिए, आप स्टीवर्ड बन गए, ठीक है जी। आपको गाइडेंस दे दी, आप कंपनी के एजेंट बन गए, शेयर होल्डर के एजेंट बन गए, अब आप क्या हो सर? अकाउंटेबल भी हो। सर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स फॉर परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। हर पीरियड के एंड पे आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है। किस फॉर्म में? कौन से परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन दे रहा है? मैनेजमेंट दे रही है। किसको? शेयर होल्डर्स। ऐसा सीधी सी बात है। तो सर कोई पूछे मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का क्या रिलेशनशिप है? मैनेजमेंट जो है वो स्टीवर्ड है शेयर होल्डर्स की, सारे एसेट्स उसके मैनेज करती है। एजेंट है एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स काम करती है, गाइडेंस हमें काम ही नहीं है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, और अकाउंटेबल भी है पूरे साल के काम के लिए, साल के एंड पे अकाउंटेबल है, और रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में वो शेयर होल्डर्स को करेगी। देन ऑडिटर और मैनेजमेंट का क्या ताल्लुक है? इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। ऑडिटर और मैनेजमेंट क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। और ऑडिटर का मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक, और ताल्लुक क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल ताल्लुक हो सकता है, पर्सनल ताल्लुक हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। सर ये तीनों मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में नहीं होने चाहिए। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं सर, ऑडिटर और शेयर होल्डर, ये इनका ताल्लुक होना चाहिए? एक बात बताओ, अगर ऑडिटर जो है वो एक कंपनी के 5 शेयर होल्डर्स हैं और उन्होंने अपने बेटे को ऑडिटर बना लिया, तो बेटा क्या करेगा सर? फ्रॉड छुपाएगा, जो फ्रॉड हम गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कर रहे हैं, टैक्स चोरी करेगा, ऐसा। और अगर कोई छोटा शेयर होल्डर है तो उसकी भी बैंड बजाएगा। तो सर कंपनी के ऑडिटर शेयर होल्डर्स के साथ नहीं थे, छोटे शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? बेवकूफ बना सकते हैं। तो सर ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किससे? शेयर होल्डर से भी। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर होल्डर टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स और मिसलीडिंग या मिसलीडिंग रेगुलेटरी और रेवेन्यू अथॉरिटीज, ठीक है जी। आप मिसलीड कर सकते हैं, ऐसा। आप बताएं तीन पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप आपस में समझ आ गया, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स, तीन चीजें, स्टीवर्ड, एजेंट और अकाउंटेबल। सर मैनेजमेंट और ऑडिटर नो रिलेशनशिप, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिटर और शेयर होल्डर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा है। अब आप आई कैप का ये 6 नंबर का सवाल देखो, क्या पूछा उसने? उसने कहा जनाब डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। मुझे बताओ अगर ये प्राइवेट कंपनी होता तो सेम बात होती, प्राइवेट कंपनी हो लिमिटेड कंपनी हो, ऑडिटर हमेशा क्या रहेगा? सर मैनेजमेंट हमेशा क्या रहेगी? स्टीवर्ड रहेगी। मैनेजमेंट हमेशा क्या रहेगी? सर अकाउंटेबल रहेगी, और मैनेजमेंट हमेशा सर एजेंट भी रहेगी, ऐसा। फिर वो कह रहा जनाब डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ये हमने अभी थोड़ी देर में देखा है, फेयर प्रेजेंटेशन, टू एंड फेयर प्रेजेंटेशन क्या होती है? 6 मार्क्स का सवाल है सर, तीन चीजें उसने पूछी।
एक तो उसने पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, क्या लिखोगे इसके अंदर? लिखेंगे भाई के सारे एसेट्स किसकी कस्टडी में, किसके पास है, किसके किसके मैनेजमेंट के पास है, शेयर होल्डर्स के सारे एसेट्स मैनेजमेंट के पास है। अकाउंटेबिलिटी, हर पीरियड के एंड पे मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने किसको, ऑडिटर्स को, और रिपोर्ट करना के पीरियड में उन्होंने क्या किया। ऐसा फेयर प्रेजेंटेशन अभी पढ़ी नहीं, थोड़ी जरूर पढ़ते हैं। ऐसा है पक्का, ये तीनों चीजें याद रहेंगी जी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये नहीं है कि एक सवाल 10 नंबर का है तो उस पर आपने 8 पेज पढ़े, एक सवाल ऐसा होगा जो 5 नंबर का होगा उस पर आपकी 10 लाइनें जा रही होंगी, और एक सवाल 8 नंबर का होगा 9 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, जो काम की चीज है वो आपको देनी है। वो नंबर पता है किसके देता है, ये 6 नंबर किसके लिए दिए ना, ये पता ही देख के नहीं जाते लोग। क्यों लोग पढ़ते हैं ये भाई रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, ठीक है जी, इसके बाद आ जाओ भाई स्टैंडर्ड के ऊपर आए जा 500। अल्लाह के बंदे टॉपिक्स पे सवाल आए एक नहीं 4 से 5 दफा, ठीक है जी, 2-3 अटेम्प्ट पहले का सवाल है, ठीक है जी, मैं भी और करा रहा हूँ उसके ऊपर। आयजा 200 पे पिछली 10 अटेम्प्ट में आयजा 200 पे 22 सवाल आए, कितने 22 सवाल, और इसको अगर आप ऑल टुगेदर इग्नोर कर देंगे 5-5, 6-6 मार्क्स के हैं, तो इसको ना भी देखो तो कोई फर्क, तो आप ना देखना। कोएलिशन ऑफ राइट्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, ऐसा कॉपी करना कर लू, ये कॉपी करना, सी क्या मैच वैच तो नहीं है ना पाकिस्तान का, वो तो लाहौर में कितने मैच है, 3, तो बस ये टोटल 7 T20 है बस पाकिस्तान में, नहीं नहीं ट्राई सीरीज है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान हो पहले ऐसे ऐसी वक्री सीरीज होती थी, एक ऑस्ट्रेलिया में होती थी वो लंबी सीरीज चलती, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का भी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऐसे उसको यार इनका 5-5 टेस्ट मैचों का होगा ना, उसको मजा भी अलग आता है। लेकिन मैंने पिछले 20 साल में वन साइडेड एक्शन, या तो वन साइडेड इंग्लैंड का होता है या वो ऑस्ट्रेलिया का होता है, वो बैटरी वाले जमाने में एक आज टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, पुराने जमाने में होता था कि इंग्लैंड के 350-400 चेस करते थे, मार्क बुचल, मार्क राम प्रकाश, बड़ा अच्छा बैट्समैन, बोगन, बोगन नहीं है माइकल वॉन है, बोगन भाई ये माइकल वॉन है, वोगन है माइकल वॉन है भाई, तू वो बंदा है जो शुल्ड पड़ता जाके, और टीचर कहते हैं शुल्ड है तो तू कहता है फिर एल बीच में क्यों डाला है, हैं खुद अपने आप को माइकल वॉन कहता है। एक जमाने में मैं स्पीच देने गया, बड़ी तैयारी करके मैंने स्पीच लिखी, मैंने कहा मैं जाऊंगा और अमेरिका और ईरान की जंग चली, अमेरिका और इराक की जंग चली थी, मैं कैफ था, प्रेजेंटेशन थी हमारी PC PST, हमारे पास होता था PSTC प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ट्रेनिंग कोर्स है, 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें 70% क्लासेस अटेंड करने को होता था, 30% प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रेजेंटेशन लेके खड़ा हुआ तो मैंने कहा तालियां बजनी चाहिए, इतनी जबरदस्त किया, मैंने कहा वैग्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, मैंने कहा वैग्यू वैग्यू आप बताओ हैं बड़ा वैग्यू, आगे एक ने कहा ये वैग्यू क्या हुए, वेग वेग तो यू ही क्यों लगाया, तो इसलिए माइकल वॉगन नहीं है, बड़े हम आगे। चलो जी आपका आप जो है ना वो एक रिटर्न जो है वो कल हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, और क्लास में हम कुछ लोगों के ना ड्राफ्टिंग चेक करेंगे, बाकी सबसे मैं शेयर करूंगा,
और कोई उसमें शर्माए नहीं है कि सर ने अगर मेरी ड्राफ्टिंग चेक की तो सर ने तो उठा के जलील कर देना, तो मैं क्लास में किसी का नाम नहीं पुकारूंगा, ठीक है। बड़े हमारे दोस्त, हमारी क्लास कितने पौने सात तक आगे बढ़ो, 15 मिनट अरे बच्चों एक हेडिंग हमारी और कवर हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे सामने ना एक डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है सर, जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, ये किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? ये हैं 2020 के, ऐसा सर सुने, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शुरू में आ रहा है आर पीपल आर स्ट्रेंथ, ठीक है जी। चार पांच लड़के हैं, एक बच्चा है, दो आंटियां हैं, ठीक है जी। फिर एक बंदा पेट्रोल पे, पेट्रोल पंप पर आर पीपल आर स्ट्रेंथ, इसमें कहानी लिखी है। फिर कंटेंट्स लिखे सर, लाइन से काफी सारी चीजें। फिर है इनका अबाउट द रिपोर्ट, यानी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी ने पूरे साल में क्या किया। इन्होंने सर शेयर दिखाई, फिर उन्होंने ये चेयरमैन दिखाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, इसका पूरा पूरी पूरा इसकी राम कहानी है, सर क्या लिखा है। फिर ये जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, इसने अपनी राम कथा लिखी है। फिर उसने कहा हमारा विजन, विजन हमारा मिशन, इसने उसकी कहानी लिखी है जी। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, हमने क्या क्या ऐसा काम किया जो बड़ा हाईलाइट होना चाहिए सर। फिर कंपनी प्रोफाइल, कंपनी ने सर कितने पैसे हैं कंपनी के पास, सारा कंपनी का प्रोफाइल चले जा रहा है सर। फिर उसके बाद आ रहा है जनाब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहाँ कहाँ किस किस जगह में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है जी। वैल्यू चेन, कंपनी किस किस तरीके से जो है वो पेट्रोल निकालती है, कहाँ बेचती है, ठीक है जी, इसके कस्टमर्स कौन है, ये फिर उसने सर गाल पीला किया हुआ है। फिर इसने कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपनी किन किन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो है वो रिपोर्ट करती है, सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम प्रायर ईयर, ये सारी की सारी कहानी चले जा रही है। फिर मेजर इवेंट्स, पूरे साल में क्या क्या, कहाँ कहाँ फीता काटा, किस किस से मिले, ठीक है जी, ये सारे जो है वो कमालात। फिर एक ये फौजी की कहानी है, ठीक है, फौजी फौज में, और ठीक है जी सर अब ये कहानी चले जा रही है। फिर उन्होंने कहा जी हमारे आउटपुट्स क्या क्या बेचते हैं, अरे 1000 चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रही है, ठीक है जी। अब सुनना सुनना सुनना, चला जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा। फिर उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी, ठीक है जी, चले जा रहे, चले जा रहे सर, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है सर, एक एक का वो आ रहा है मंजन, सारे चूरन चटनी चले जा रही है, ठीक है जी सर। अब सुनो, अब सुनो, 2 मिनट रुक जाओ, क्या सबर है। अब सुनो सुनो, यहाँ आई हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट, और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट से पहले ऑडिटर की रिपोर्ट है सर, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, और ये लंबी चौड़ी ऑडिटर की रिपोर्ट है 15-16 पेज, ना ना यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, दो ऑडिटर्स ने इसको ऑडिट किया, फर्गसंस और ईवाई, ठीक है जी। ये उनका ओपिनियन है पहला, उन्होंने कहा भाई हमने ऑडिट किया इस कंपनी का और माशाल्लाह सारा काम बिल्कुल सेट हुआ है, ठीक है जी। इन आर ओपिनियन अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल और सारी चीजें together with the notes forming thereof conform with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan. इसने कहा भाई मामला बिल्कुल सही, रिपोर्ट चले जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद क्या आया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला पेज 146 पेजेस के बाद, ऐसा अनकंसोलिडेटेड का मतलब है इस कंपनी की अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आगे आएगा और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और क्या सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई और क्या है सर, सर कैश फ्लो आ गया और क्या है सर, सर नोट्स आना शुरू हो गया ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस फाइनेंशियल इस एनुअल रिपोर्ट में, इस एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, क्या ऑडिटर ने सब पे ओपिनियन दिया,
क्या ऑडिटर ने सब पे ओपिनियन दिया है, क्या ऑडिटर ने ऊपर लिखा जो केक कटिंग सेरेमनी है उसमें जो बातें लिखी है बिल्कुल सही है, क्या ऑडिटर ने कहा ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई कंपनी इतना ग्रो हुई है, इतना ग्रो हुई है, कंपनी ने इतना करोड़ की चैरिटी की है, क्या ये सारी बातें सही है? नहीं, ऑडिटर कह रहा है भाई मेरा ओपिनियन सिर्फ पांच चीजों के ऊपर है। और वो कौन सी सर पांच चीजें? सर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है? अदर इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो सकती है, जैसे आपने देखी अभी, रेशियोज हो सकते हैं जैसे आपने देखा अभी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कंपनी ने आगे जाके क्या क्या करना है सर, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का मतलब है चंदा कितना के खराब कितने की, ये सारी चीजें पार्ट तो होती है एनुअल रिपोर्ट की, ये कहलाती है अदर इन्फॉर्मेशन। क्या कहलाती है? अदर इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर कभी भी ओपिनियन नहीं देता। मैं दोबारा उस स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ और आपको एक चीज बता रहा हूँ, और से देखिएगा अच्छे तरीके से, एक चीज नोट करना, ये मैंने हाईलाइट जो किया सर, देखें इसको जरा, क्या कह रहा है ऑडिटर सर? वो कह रहा है जनाब हमने ओपिनियन किस पे दिया, अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स फॉर्मिंग thereof, इसके अलावा हम किसी चीज पे ओपिनियन नहीं दे रहे। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम ओपिनियन देते हैं या एनुअल रिपोर्ट पे ओपिनियन देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। याद रखना ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज रिटन इन द रिपोर्ट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं, इसलिए कि OCI का स्टेटमेंट ये अलग बनाते हैं। आमतौर पर हम PNL के नीचे ही क्या दिखाते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कुछ कंपनीज OCI का स्टेटमेंट अलग बनाते हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, हमारा ओपिनियन किस पे होता है? वेरी गुड सर, ये सिर्फ कब तक पढ़ रहे हो तुम लोग? कैश तक, जब फाइनल में आओगे ना तो डायरेक्टर रिपोर्ट का हम ओपिनियन दे देंगे, ठीक। तो बता रहा हूँ क्या करते हैं हम, करते ये एज एन ऑडिटर कभी भी नॉन अदर दीज फाइव चीजों पे ओपिनियन दे देते, लेकिन हाँ हम आंखें भी बंद नहीं करते। तुम आओगे ना फाइनल में, तो फाइनल में हम तुम्हें बताएंगे अदर इन्फॉर्मेशन को भी ऑडिटर इवेल्यूएट करता है, और अगर उसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है तो वो अवाम को नहीं बताता लेकिन मैनेजमेंट को जरूर बताता है कि भाई तुम्हारे इसके अंदर मसला है, इसको सही कर देना, ठीक है जी। और अपने कवर लेटर में और अपने ऑडिट रिपोर्ट के उस पार्ट के अंदर जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन डिस्कस हो रही है वहां कर सकता है डिस्कस, लेकिन ये हमारे पॉइंट्स का पार्ट नहीं है। आपने अभी सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? ओपिनियन किसके ऊपर है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें आएंगी? पांच चीजें आएंगी, ऐसा है? नहीं कर सकती है ना, बड़ा आसान है। जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट छप जाते हैं ना और ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में छप गई, प्रिंट होते हैं, उसके बाद वो AGM में जाएंगे, ऐसा ना, प्रिंटिंग के बगैर तो AGM नहीं हो सकती ना। प्रिंटिंग हो गई, अगर आपको लगता है कि उसमें मसला है आप जाए मैनेजमेंट के पास। अभी हमने आगे एक स्टैंडर्ड पढ़ना जो कहलाता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कौन से इवेंट्स? बाद में जो होते हैं। आपको नजर आया भैया एनुअल रिपोर्ट ही गलत छाप की, ऑडिट रिपोर्ट ही गलत छाप दी, मिसलीडिंग है, आप जाके पहले मैनेजमेंट से कहेंगे यार इसको रोको और अवाम नास को बताने से पहले उसको सही कर दो। मैनेजमेंट नहीं माने, आप जाए एक लीगल एडवाइस में चले, और मोस्ट प्रॉब्ली उस लीगल एडवाइस में आपको लीगल एडवाइजर ये बताएगा कि AGM में जाओ, वहां जाके बताओ कि रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई कंपनी इतना रीजनेबल काम नहीं करती। अच्छा फिर ये रिपोर्ट जमा कहाँ होती है? SECB के पास, ऑडिटर उसको भी एड्रेस कर सकता है, ठीक है जी। तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि बंदा ऑल टुगेदर फ्रॉड कर दे, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है, ठीक है जी। बढ़िया मांगे एक्सेप्ट, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, सुनो ना ना सुनो ना 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 सुनो सुनो स्पीच होती है जब रिक्वायरमेंट, सुनो ऑडिटर का राइट है मीटिंग अटेंड करना, ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है मीटिंग अटेंड, लेकिन अगर ऑडिटर चंद सर्कमस्टांसेस में जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो कर रहे काम, ऑडिटर को जो है वो फिर अटेंड करना मीटिंग जरूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने ऑर्डर को निकाल दिया, ठीक है जी, आपने कहा आपकी जगह दूसरा ऑर्डर अपॉइंट करें, ऑडिट कंप्लीट हो चुका, ऑर्डर ने कहा मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा। मैनेजमेंट ने कहा भाई आपको निकाल दिया, अच्छा आप फ्रॉड कर रहे थे, मैंने आपको पकड़ने की कोशिश की आप मुझे निकाल रहे हो, तो ऑडिटर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कंपनी कि जो AGM हो रही है उसमें मैं आना चाहता हूँ, उसमें मैं एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। अब उस बंदे के लिए AGM अटेंड करना क्या हो गई? जरूरी है, अदरवाइज उसका राइट है, उसकी ड्यूटी। अच्छा क्या वो AGM में बात कर सकता है?
हाँ कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी ड्यूटी नहीं है। आप एक ऑडिटर हो, आपके बराबर में एक बंदा आके बैठ गया और कह रहे भाई बताएं कंपनी के प्रॉफिट्स के क्या सीन है, बताएं आप क्या करो। मेरी मर्जी है मैं बात करूं ना करूं, और बात करोगे भी तो किस पे बात करोगे, ओनली ऑडिट मैटर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट को बोलेगा। चलो मैं तुम्हें एक जबरदस्त किस्म का वाक्य सुनाता हूँ जिसमें पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी हिट हुई। एक बंदा जाता है एंग्रो फूड्स की मीटिंग में, इसमें एंग्रो फूड्स के पास ना गाय बैल और बकरियां बहुत सारी, बड़ा रेवड़ है जो कहलाते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। उन बायोलॉजिकल एसेट्स को हर फाइनेंशियल हर रिपोर्टिंग डेट क्या करना है, रीमेजर करना है। तो एंग्रो ने 30 नवंबर को रिवैल्यू किया हुआ था उसको 31 दिसंबर की जगह, और उन्होंने कहा चूंकि मटेरियल चेंज नहीं है वैल्यूज में तो हम 30 नवंबर की वैल्यूएशन रिपोर्ट ही चला रहे हैं। उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डाल दिया। अब एक बंदा एक शेयर होल्डर वहां खड़ा होता है और वो ऐलान करता है कि भाई ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉन कंप्लायंस है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि हर रिपोर्टिंग डेट पर रिवैल्यू करना है तो हर रिपोर्टिंग डेट पर करना है, तो ये आपने क्यों नहीं किया? ये वो बंदा एड्रेस कर रहे है किसको, असद उमर को। असद उमर उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था कंपनी का। असद उमर ने कहा मेरे ऑर्डर से पूछे। वो बंदा फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। आप जवाब दो। असद उमर फिर कह रहे हैं किसको, ऑर्डर को। ऑर्डर कौन है सर? पाकिस्तान की एक बड़ी नाम पर फॉर्म, ठीक है जी। अच्छा फर्गसन का, चलो ठीक है। अब फर्गसन वालों ने जवाब तो दिया नहीं क्योंकि फर्गसन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिस्पॉन्सिबल कौन थी? मैनेजमेंट थी। हाँ एक काम जरूर हुआ उसके बाद, वो बंदा था टीचर, वो बंदा पढ़ाता था लॉ। फर्म ने अपने तमाम ट्रेनिंग्स को कहा जहां से सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ लो, इसके पास कोई नहीं जाएगा पढ़, ठीक है जी। बेचारे के साथ, और वो खा मखा उंगली की, तो सर मुझे एक बात बताएं जिम्मेदार कौन है? ऑर्डर ने जवाब ही नहीं दिया वहां पर। ऑर्डर ने कहा भाई आप जानो आपको काम जाना, ठीक है जी। असद उमर से ये पूछ सकता है, ऑडिटर से क्या पूछ सकता है, तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में गलती आइडेंटिफाई की, ऐसा ना। ऑडिटर से वो ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती की। वो कहेगा भाई मेरी ऑडिट रिपोर्ट तक जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ, ठीक है जी। और फर्गसन ने चीज हाईलाइट की हुई थी अपने की ऑडिट मैटर से, ठीक है। तो माओ मेरी शादी में और वहां जाकर तुम भंगड़े करो और हरकतें करो और बार बार कहोगे जो गद्दा बैठा है इसकी ऑलरेडी दो शादियां हैं। बात तो तुम सही कर रहे हो लेकिन तुम फिर बाहर निकलोगे तो मैं करूंगा क्या तुम्हारा, सब सोच लो, ठीक है। बड़े आगे दोस्त वो, अच्छा जी सर ये अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ऑडिट। अच्छा देखो अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो ऑडिटेड नहीं, अनऑडिटेड नहीं है, क्या है, अनकंसोलिडेटेड है, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, चलो हमारे पास कितने 4 मिनट रह गए बस, चलो बस को यहीं तक रखते हैं, हम अगली क्लास में इसके पूरे पीडीएफ आपको आज ही मैं दूंगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में अपनी पूरी किताब भी दूंगा, मुंह में ग्रुप पे ही दूंगा ना और कहां दूंगा। थैंक यू जी। इसमें नहीं, मैं भी बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच जी।